हेलो, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसको पढ़ने से पहले आपको रिकॉल करा दूं, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जैकोबिन और न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, और रेन ऑफ टेरा, ठीक, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस और कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में जो है कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए आप कि थर्ड एस्टेट की वुमेन को बहुत काम करना पड़ता था, ठीक है, एजुकेशन मिल नहीं पाती थी और वर्किंग वुमेन को साथ साथ अपना घर बार भी देखना पड़ता था, अपने घरों को लुक आफ्टर भी करना पड़ता था, ठीक है। उनकी वेजेस जो थी वो मैन से लेस थी, और इसके बाद वुमेन ने अपने पॉलिटिकल क्लब और न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किए, ठीक है, और इनके सोसाइटी द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस इनमें थे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर, यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब वुमेन की कंडीशन में क्या कोई चेंज आया, ये हमने जो है देखना। तो वुमेन की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, जैसे पहले थी वैसी अब भी, ठीक। अब देखिए कैसे वुमेन को पैसिव सिटीजन में रिड्यूस कर दिया गया। देखो, पैसिव सिटीजन वो सिटीजन होते थे जिनको कि राइट टू वोट नहीं होता, यानी कि वो वोट नहीं दे सकते थे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, यानी कि रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट बनी, उन्होंने कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जिससे कि वुमेन की लाइफ जो है उनमें कोई इम्प्रूवमेंट होता, ठीक है। तीसरी चीज, मैरिज जो थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट थी। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अप्रूवल ऑफ द बोथ पार्टी, ठीक है, यानी दोनों पक्ष जो हैं, जो दोनों पार्टीज हैं उनकी सहमति, उनकी एक्सेप्टेंस या उनकी स्वीकृति। तो मैरिज जो थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट थी, यानी जब तक दोनों वाइफ और हस्बैंड हैं, अगर उसका अप्रूव कर रहे हैं तब तक मैरिज है, अदरवाइज खत्म, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें कि वोमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। बहुत सी जो वुमेन थी, इम्पोर्टेंट वुमेन जो थी, उन्हें अरेस्ट किया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। देखो, हिस्ट्री में जहाँ भी एग्जीक्यूट वर्ड हम यूज़ करेंगे वहाँ पर एग्जीक्यूट का मतलब होगा टू किल, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल, फ्रेंच वुमेन हैव गिवन द राइट टू वोट इन 1946। तो वुमेन की पॉलिटिकल राइट्स की स्ट्रगल करने का रिजल्ट ये हुआ कि एट लास्ट फ्रेंच वुमेन हैव गिवन द राइट टू वोट इन 1946, ठीक है। तो ये हमारा जो है थ्योरी पार्ट पूरा हो गया। अब देखिए, कोई भी अगर इंसिडेंट होती है तो उसका जो अफेक्ट है वो पड़ता है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या क्या अफेक्ट पड़ा वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ स्लेवरी। स्लेवरी फ्रांस कॉलोनी से जो है क्या हो गई, एबोलिश कर दी गई, ठीक है। फ्रेंच कॉलोनीज का मतलब हुआ वो जगहें, वो ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पर फ्रांस रूल कर रहा था, ठीक है।
लेकिन जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट आए 1804 में, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्ट बिकम ए किंग, तब याद कर लीजिए 1804, नेपोलियन बिकेम अ किंग इन 1804, ठीक है। तो जैसे ही वो आए तो नेपोलियन ने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया, रीइंट्रोड्यूस माने टू ब्रॉड बैक, वापस लाना, ठीक है। और एट लास्ट स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड इन 1848, ठीक है। 1848 में जो रिवोल्ट हुआ था फ्रांस में, उस रिवोल्ट के बाद फ्रांस में स्लेवरी एबोलिश कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा देखिए, डेस्पोटिक रूल्स ऑफ मोनार्की वॉज एंडेड, डेस्पोटिक माने अनकंट्रोल्ड, जिस पर कोई नियम लागू ना हो, जिस पर कोई चेक ना हो, ठीक। तो डेस्पोटिक रूल जो मोनार्की का था वो खत्म हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो राजा था उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई चेक नहीं था, राजा जो चाहता था वो डिसीजन लेता था, नो बडी इज गोइंग टू चेक एंड नो बडी इज गोइंग टू क्वेश्चन द किंग व्हाई हैव यू टेकन दिस डिसीजन, ठीक है। ये मोनार्की का जो डेस्पोटिक रूल था वो खत्म हो गया। सोर्स ऑफ पावर लोग बने, जनता बने, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो आइडियल इस्टेब्लिश किए गए। लिबर्टी माने फ्रीडम, इक्वलिटी माने इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी माने ब्रदरहुड, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे? लोगों को फ्रीडम मिली, फ्रीडम मिली तो सारे लोग इक्वल हो गए, और जब इक्वल हो गए तो दे बिकेम द ब्रदरहुड अमंग देम, ठीक है। क्योंकि जब सारे लोग इक्वल हों तो उनमें किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा होने का सवाल ही नहीं होता, ठीक है। इसके बाद किंग्स जो बाद में आए, उन्होंने लोगों के वेलफेयर को के बारे में सोचना शुरू किया, ताकि रिसेंटमेंट ना हो। रिसेंटमेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन उसका मतलब होता है, राइट। इसलिए राजा जो हैं अब जनता की परवाह करने लगे, जनता के भलाई के काम करने लगे, या जनता के बारे में अब सोचने लगे, ठीक है। और जो सेंसरशिप थी, सेंसरशिप माने कंट्रोल, चेक, अगर कोई भी चीज़ बाहर जानी है तो उस पर चेक करने के बाद वो बाहर निकलेगी, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन आया तब सेंसरशिप जो है वो खत्म कर दी गई, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप देखिए राइज ऑफ नेपोलियन, ठीक। नेपोलियन ने बहुत लोगों को हराया, बहुत से कंट्रीज को हराया और डायरेक्टिव को सेव कर लिया, ठीक है। और नेपोलियन ने क्या किया कि जब फ्रांस पर बहुत सारी भीड़ ने हमला किया, ठीक है, और कब किया, जब डायरेक्टरी जो है वो बन रही थी, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया, ऐसी मॉब को जो है कंट्रोल किया और डायरेक्टरी को सेव कर दिया। डायरेक्टिव हम आपको बता चुके हैं कि डायरेक्टिव वॉज द इंस्टीट्यूशन, ए बॉडी ऑफ फाइव मेंबर्स हु यूज टू रूल द फ्रांस, ठीक है। अब देख लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रेंच फोर्सेस के इटली में कमिश्नर इन चीफ बन गए, यानी कि हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस, ठीक है। और नेपोलियन जो थे वो 1804 में वापस आए और फ्रांस के जो हैं वो किंग बन गए, या फ्रांस के एम्परर बन गए, ठीक है। अब लास्ट में जो हम आपको बताएंगे क्या,
की अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन ने क्या क्या अचीवमेंट्स किए वो आपको बताएंगे। पहली चीज़, फ्रांस को उन्होंने मॉडर्नाइज किया, ठीक है, कैसे, और फ्रांस को इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने करके उन्होंने फ्रांस को जो है वो मॉडर्नाइज किया, ठीक है। मॉडर्नाइज करने के बाद उसने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए रोड्स और कैनाल्स बनाए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि उसने रोड्स और कैनाल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनवाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लॉज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, जो पड़ोसी देश थे उनको जीता, और जो डायनेस्टीज़ वहाँ पे रूल कर रही थी उनको हटाकर अपनी किंगडम वहाँ पे बनाई, ठीक। डिस्पोसेस्ड माने जो उनका अधिकार था, जो उनका राइट था, वो राइट ख़त्म कर दिया, ठीक है। डायनेस्टीज कहते हैं खानदान या वंश। पोप के साथ फ्रेंडली रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उसमें 4 लेजिस्लेटिव और 3 एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो हैं वो बनाई गई, ठीक है। अब ये क्या क्या थी वो आप समझिए। नेपोलियन ने जो है बेल्जियम में वाटरलू नाम की एक जगह है वहाँ पर 1815 में नेपोलियन हारा, ठीक है। दूसरी चीज़, फ्रीडम, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी नाम के जो आइडियाज़ थे उससे लोग इम्प्रेस हुए, इम्प्रेस माने असर होना, प्रभाव पड़ना, ठीक है। और कॉलोनीज़ के लोग, कॉलोनीज़ का मतलब होता है वो कंट्रीज जिन पर कि बाहर के लोग या बाहर के कंट्रीज रूल कर रहे हों, समझ रहे हो ना, कॉलोनीज के उसे कहते हैं जहाँ पे लोग बाहर के, जहाँ के लोगों पर बाहर के कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही हो। तो इसलिए कॉलोनीज के लोग जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए, ठीक। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे उनको अपने फ्रीडम स्ट्रगल में जो है उन्होंने जगह दी और उनसे जो है इंस्पिरेशन ली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया, है ना। और इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दिस लेसन विल बी ओवर। तो कंडीशन ऑफ वुमेन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वुमेन की कंडीशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कैसी थी, तो इसमें आप समझ लो कि जो वुमेन थी उनकी कंडीशन पैसिव सिटीजन के फॉर्म में रिड्यूस हो गई, ठीक है। दूसरा, कोई ऐसा लॉ जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया गवर्नमेंट ने जिससे कि वुमेन की लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती, ठीक है। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सी वुमेन को अरेस्ट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, और आखिर में फ्रांस में वुमेन को 1946 में राइट टू वोट मिला, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या क्या अफेक्ट हुए, पहली चीज़ जो स्लेवरी थी वो एबोलिश कर दी गई फ्रेंच कॉलोनीज में, नेपोलियन ने स्लेवरी को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया, ठीक। और 1848 में फ्रांस में स्लेवरी आखिर में बिल्कुल एबोलिश हो गई, एबोलिश माने ख़त्म होना, ठीक है। डेस्पोटिक रूल ऑफ मोनार्की वॉज एंडेड, अनकंट्रोल्ड रूल ऑफ मोनार्क वॉज एंडेड, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि नेशन जो था उसका एक नया मीनिंग जो है वो सामने आने लगा, ठीक है। आप देखिए नेशन क्या चीज़ थी, नेशन एक वो ज्योग्राफिकल एरिया था जिसमें कि
लॉन्ग और कॉमन हिस्ट्री हो और फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, हो किसके साथ, कंट्रीमैन के साथ, ठीक है। तो ये एक न्यू मीनिंग ऑफ नेशन निकल कर के सामने आया, ठीक है। किंग्स ने लोगों के वेलफेयर के बारे में केयर करना शुरू किया ताकि रिसेंटमेंट या डिससेटिस्फेक्शन लोगों के बीच में ना आ पाए, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन वर डिक्लेयर्ड, ठीक। फिर हमने आपको बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हाउ द नेपोलियन वॉज राइज। तो फ्रांस में पर बहुत से अटैक हुए, लेकिन नेपोलियन ने जो है उन अटैक से टेरेक्टी को बचा लिया। इसके बाद जो है, क्योंकि उसने डायरेक्टी को सेव कर लिया, तो इसलिए वो इटली में जो फ्रेंच फोर्सेस इटली में थी उनका कमिश्नर इन चीफ उसको बना दिया गया। और इस तरह से नेपोलियन जब वापस लौटा 1804 में, वो फ्रांस का एम्परर बन गया, ठीक है। और लास्ट में जो है वो नेपोलियन के क्या अचीवमेंट्स थे, वो न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करके जो है फ्रांस को मॉडर्नाइज करना चाहता था। रोड्स और कैनाल्स उसने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाए, बहुत से लॉज इंट्रोड्यूस किए, नेबरिंग कंट्रीज को जीता, ठीक, और डायनेस्टीज को हटाया, अपनी किंगडम्स को क्रिएट किया, ठीक है। पोप के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशंस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं, नेपोलियन 1815 में वाटरलू की जो वार है उसमें डिफीट हुआ, फ्रीडम लिबर्टी फ्रेटर्निटी आइडियाज़ जो हैं उससे लोग इम्प्रेस हुए, ठीक। कोलोनियल्स के पीपल इंस्पायर होकर के इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन से उन्होंने अपने यहाँ रिवोल्ट शुरू कर दिए और उन्हें सक्सेस भी मिली, ठीक। और लास्ट ऑफ ऑल टीपू सुल्तान और राजा रामन राय, इनका नाम आपने सुना ही होगा, हमारे कंट्री के बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे कौन कौन से थे, फ्रीडम लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये आइडियाज को जो है उन्होंने रेस्पॉन्ड किया और उसको अपने कंट्रीज में लागू किया। कंट्री में किस में किया, इंडिया में, उस तो उसको जो आइडियाज़ हैं वो उनको उन्होंने यहाँ पर लागू किया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो फिनिश हुआ, ओवर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, ओके। टिल देन स्टे कनेक्ट विद अस, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।